यही जी कमरे का हाल है, जो कि अक्सर निकलने से पहले कड़मस मचा होता है। इसके अंदर मैंने अपना हेलमेट डाल दिया, तो मेरे को इसके अंदर अपनी राइडिंग जैकेट और राइडिंग गियर डालने की भी जो है ना थोड़ी ठीक ठाक जगह मिल गई है। ये जाएगा एज अ पर्सनल आइटम या कैरी ऑन या ये इधर और जो भी वो अलाउ करें एयरलाइन वाले। और सूट केस पैक हो गया, इसमें सिर्फ 20 किलो का वजन अलाउड है। एयरलाइन जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसका क्या हिसाब किताब है इस रीजन में उड़ने के लिए। Till I met you, I was in it for the test ride. Long nights, big waves, we'll stay the hate and now we hold hands. Z4PC, yeah, editing chal rahi hai. Very good. एक तो मेरा भाई गाड़ी चलाता है, उसके बाद सीट आगे करनी पड़ती है। सर बिल्कुल, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। सब्सक्राइबर मिल गई सर। आए तो मैंने कहा भाई जी को शॉर्ट ले, आप हो कहाँ से सर? मैं से, वैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से तो 7 साल हो गए यहाँ। अच्छा, भाई कह रहे थे कि कोविड के टाइम से फॉलो कर। थैंक यू सो मच। ठीक है, फोटो? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मेरी वाइफ भी बहुत बड़ी फैन है आप। अरे वाह, थैंक यू। देखते हैं, डू पास ऑन माय रिगार्ड्स। हाँ जी, क्या डेली व्लॉग्स देखते हैं सर? मेरा नाम जितेंद्र है। नाइस टू मीट यू जितेंद्र भाई। बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलकर। मेरे को बहुत देर हो रही है, मगर मैं कितनी भी देर हो रही है, अगर सब्सक्राइबर्स आ जाना हमेशा आई वुड वेट। दो काम छोड़ देंगे क्योंकि भैया हम जो हैं आप लोगों की वैसे ही है ना। अब हम कभी होटल जाते हैं, कभी कहीं भी होते हैं, हमारा एड्रेस लोकेशन पता लग जाती है तो हमारे से प्यार करने वाले लोग मिलने आ जाते हैं। तो उस केस में तो जितना हम मिल पाए मिल लेते हैं, मगर ज्यादातर जो है ना हमारी इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कमेंट सेक्शन से ही होती है। तो आपके कमेंट से मैसेजेस हमें जितने मिल जाते हैं पढ़ पाते हैं उतना, मगर कोई टाइम निकाल के अगर आ जाए ऐसे तो भी बड़ा अच्छा लगता है। बाकी जो सामान पेंडिंग पड़ा हुआ है यहीं से लेके जाना है, वो फटाफट उठा लो। बढ़िया जगह मिल गई, अच्छी ला दे। हाँ तो जूतों का शॉट ले सकता हूँ। नहीं लिए, पटे नहीं है। चलो ये तो मिल गया, ये पड़ा सोमवेल से। तो ये तो बड़ी जरूरी आइटम थी सिनेमाटोग्राफी के लिए, ये ले ली। पुराने वाले खराब होके हट गए हैं, बट जो ये आइटम है ना XM5, मेरे को XM4 पसंद थे, ज्यादा फोल्ड नहीं होते, मगर बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन है। और अब ये इनके बिना मैं काम नहीं चला सकता, क्योंकि ट्रैवल करूंगा तो फ्लाइट में, किसी के घर, हॉस्टल में, कहीं भी एडिटिंग करनी है तो नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन चाहिए, यही अवेलेबल। इतना नया नया सामान लिया, कहीं चुका गया तो मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आजकल ब्रैम्पटन टोरंटो वगैरह में ना चोरियां बहुत होती है, इसको तो यहीं गाड़ जाऊं। कल ना मैं अमेरिकन ईगल से ये पजामा टाइप ट्राउजर ले गया था अपने लिए, ये थोड़ी कंफर्टेबल रहती है, इसकी फिटिंग भी ट्राउजर टाइप होती है, मगर ये थी बड़ी महंगी, मगर इसको मेरे को फिटिंग बड़ी अच्छी आई। $64 टैक्स टूक्स मिला के 70 की पड़ रही थी, मैंने दो ले ली गई, यार मिलती नहीं है ऐसी फिटिंग ले जाता हूँ, बट क्योंकि आज अब दूसरा खर्चा बहुत हो गया तो मैंने सोचा दो में से एक जो है ना वो रिटर्न ही कर देता हूँ, एक से काम चला लूंगा, कम से कम 70 तो कम करूँ, जहाँ 1400 लग गए हैं। बाकी $100 के जूते वसूल है, कंफर्टेबल है। Hi, wish to return this, please. Thank you. Actually, ये था जो मैंने लिया था, ये थोड़ा ना बिल्कुल ही पजामा टाइप फिट होती है इसकी, मगर लगती ट्राउजर टाइप है, हंटर पैंट जैसी। ये तो भाई जी अलग ही टाइप का फैशन है, कीड़े मकोड़े हुआ। अब जब जी मोटर होम में था तब तक तो वो टूटे हेडफोन लगा के किसी तरह ऊपर बैंड वैंड बांध के मैं काम चला लेता था, मगर अब फ्लाइट में अलग अलग जगहों पे और कुछ लोगों से मिलना भी है, बड़े खास लोगों से, ऐसे हैं जिनके पास जाऊंगा तो आप कहोगे ये यूरोप में क्या कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनसे मैं मिलूंगा तो आप लोग कहोगे आप इसके पास यूरोप में कैसे पहुंच गए, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, बट क्योंकि फिर नहीं तो फिर बड़ी बेइज्जती होती, तो इसीलिए ले लिया। खर्चा बहुत हो गया। ये वाले जो है ना ये $499 के हैं, यानी कि आप समझ लो 30,000 रुपए के, मगर ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है अगर आपने रोज एडिटिंग करनी है, और ये तो सिनेमाटोग्राफी के लिए रिक्वायरमेंट है। दिस इज अबाउट 200, तो $700 यहाँ लग गए हैं, और $700 की ही मेरी टिकट है जो मैं लेके जा रहा हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, यानी कि जर्मनी। जर्मनी में कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ बाद में बताऊंगा, मगर जब एक दिन में इतना सारा पैसा खर्च हो जाए ना तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि अब उसको निकालने के लिए कितना नहीं कितने दिन मेहनत खूब करनी पड़ेगी, फिर बंदा देखता पता नहीं इस चीज़ पे उतने व्यू आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उतना पैसा आएगा कि नहीं, अभी तक स्पॉन्सरशिप 20 महीने कोई हुई नहीं है, वो भी देखना है क्या हो सकता है हिसाब किताब। बट ये है कि जो करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ेदार होगा, एंड आई एम होपिंग के अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा। मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी बड़े सारे सेकंड हैंड ढूंढने की कोशिश करी, मगर इतने शॉर्ट मोमेंट पर कुछ मिल नहीं पा रहा था।
ये ब्रैम्पटन में मैंने ज्यादातर देखा है लोगों को अपने एड्रेस ना ऐसे स्ट्रीट का नाम वगैरह लिख के दीवार पे लगाने का काफी शौक कह लो आप, ट्रेंड कह लो। स्टूडेंट ड्राइवर को पुलिस ने क्यों रोक लिया? चलान हो रहा है भाई, ये हो सकता है इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो पुलिस वाली मैडम भी इंडियन डिसेंट ही लग रही है। इधर पकोड़े चल रहे हैं बट हम कंट्रोल के तहत नहीं खा रहे, जबकि मम्मी ने तीन बार कहा पकोड़े खा ले। तूने कहा ना कि वहाँ कुछ मिलता नहीं है, मैं भी टक्के वक्के कुछ पकड़ लेता हूँ, लेट हो गया, जल्दी चलो सर। भाई 6:50 की फ्लाइट है और वैसे 1 घंटे का रास्ता है, मगर ट्रैफिक अड़ गया तो 1.5 घंटे का हो गया और हम पहुंचेंगे अभी अभी निकल गए तो भी 4:15 बजे 4:20 पे, इसलिए फटाफट जा। लो जी मेरा निकलने का टाइम आया तो बैटरी लग रही है, हो गई फिट। बस मुझे लग रहा है जैसे मैं गाड़ी बैठूंगा भाई ने सेल्फ मार देनी है, मेरा खाप खाप रह गया मोटो ब्लॉक का। पर चलो अब जो भी है जितना किस्मत में लो, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। मतलब क्या मौके पर स्टार्ट करी है यार भाई, पर मैं इतना लेट हो गया हूँ कि सीट लगने की वेट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को निकलना पड़ेगा। अच्छा आंटी जी, मम्मी का मन बोलता मगर मम्मी को जानबूझ के हम लेके नहीं जा रहे क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव है। ओ गाड़ी कहीं बंद होगी भाई, चलो बंद क्यों हो गई गाड़ी, चालू ही नहीं करी थी मैंने गाड़ी, हो सकता है रड़ रही है पीछे को। ओके मम्मी बाय बाय। उल्टा खोल दिया यार, सॉरी। बड़ी नीट और लाइट सी चीज है, बस इसका जो कहते हैं ये कुशन है ना, ये थोड़ा सा उन्होंने लाइट कर दिया है और ये बस इतने ही होते हैं बैंड, ये ना ऐसे अंदर नहीं जाते जैसे पिछले वाला चला जाता था, तो ये बैग में कंफर्टेबली आता था, बस ये इतना ही बैंड हो सकता है कि आप इसको गर्दन पे जो है ना फ्लैट कर। बाकी ये जी इसकी वायर, बाय चांस अगर बैटरी ना चल रही हो, मगर जब बैटरी ना हो तो इसकी नॉइस कैंसलेशन काम नहीं करती है, रेगुलर हेडफोन काम करते हैं जहां तक मेरा ख्याल है। और ये छोटा सा चार्जर इसका, ओए कन्वर्टर कहां है इसमें, वो ढक्कन जो फ्लाइट की उससे लगाने के लिए होता है, ये क्या हो गया, मेन चीज ही काट दी, बंदा फ्लाइट की टीवी से तो कनेक्ट नहीं कर सकता इसको। फिर सेंसर कैमरे ये पीछे वाली प्लेट के खींचते हैं क्योंकि क्वेबेक में तो वैसे आगे नंबर प्लेट ही नहीं होती, पीछे ही होती है सिर्फ। क्या प्यारी लग रही है, पीली पीली मुस्टैंग। चक्कर ये है कि मैं जा रहा हूँ प्ले एयरलाइन में, ये एक नई एयरलाइन है जो शुरू हुई है और ये आइसलैंडर एयरलाइंस होती हैं, सारी आइसलैंड में रुकते हुए जाती हैं तो इसलिए छोटे जहाज उड़ा पाती हैं, जिसमें कि जहाज आइसलैंड में रुकता है और फिर वहां से रिफ्यूल होता है या चेंज होता है एयरक्राफ्ट और फिर आगे आप यूरोप जाते हो, क्योंकि आइसलैंड बीच में पड़ता है अटलांटिक में, बीच में तो नहीं समझ, यहाँ से 5.5 घंटे की फ्लाइट है और आगे 3.5 घंटे की है। और ये एयरलाइन भी बजट एयरलाइन है, पता नहीं किस तरीके का खाना होगा, होगा भी क्या नहीं होगा, आमतौर पर नहीं होता है इनके अंदर, तो इसलिए मैं सोचा था जाते हुए यहाँ से जो है बाप शबाब ले जाऊंगा पैक करा के, चलो ठीक है थोड़ा जो ना चिकन वगैरह मेरा चल जाएगा, प्रोटीन वोटीन हो जाएगी। इसलिए हम रूट ले रहे हैं 407 जो कि एक्सप्रेस वे है, जिसका ट्रांसपोंडर इसके पास नहीं है ऑटो टूल कटने वाला, तो हमेशा जो जब ये क्रॉस करेगा जाएगा उसमें तो कैमरा से फोटो खींचेगी तो उसके $5 कैमरा चार्ज अलग से लगेंगे। हैमिल्टन बीच में पड़ता है एक जगह, वहाँ पे बस मैंने भी ऑर्डर कर दिया कि एक बटर चिकन दे दो और एक चिकन तंदूरी, बस अब सवाल यह है कि क्या बटर चिकन सिक्योरिटी क्रॉस करेगा क्योंकि लीकपोर्ट तो अलाउ नहीं करते भाई, वो जब पिक करेंगे वहाँ से एयरपोर्ट तक बीच में खत्म कर सके। नहीं नहीं मैं सिक्योरिटी से पहले ही खा लूंगा ना, फ्लाइट चेक इन करके बाहर ही खा लूंगा क्योंकि मैंने तो लंच भी नहीं किया, और नहीं तो जो तंदूरी चिकन है ना वो उसके अंदर मिला दूंगा, वो बन जाएगा सेमी सॉलिड, शायद वो जाने दे। और जो मैंने ऑर्डर किया ना, मैंने कहा भाई साहब ये दो आइटम कर दो, तो उसने 3 बार पूछा भाई ने, कोई राइस कोई नान रखते हुए फिर पूछा राइस नान, लोगों को यकीन नहीं आता भाई ये कैसे देसी है, बिना लग रहा होगा सस्ते में घर पे रोटी बना के खाएंगे है ना। स्कूल टाइम पे मैं ऐसे ही करता था, रोटी मम्मी बनाती मैं ढाबे से जाकर राजमा लेता था, जब मम्मी ने कोई ऐसी सब्जी बनाई होती थी घिया टिंडा तोरी टाइप। मैं किसी भाई का कमेंट पढ़ रहा था तो कह रहे हैं कि भाई बाइक जो है ना वो इस चक्कर में बंद हो गई कि आप अनोती ले अपने साथ, जिम मोटर में जाते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरा लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, और जैसे ही मैं चरण बाहर डाले हैं घर से पीछे से आवाज आ गई गाड़ी बैठे जो गाड़ी बैठे बताओ यार ये कोई चक्कर हुआ। चलो अच्छा है पनौती पहले आ गई, पता चले जिस दिन मैं वापस लेके जा रहा था हाँ से हटा हुआ हाँ रास्ते में आती पनौती फिर क्या होता, सही बात है, इसीलिए हो सकता है मैंने आपकी पनौती बचा दी आगे, ऐसे कहना पड़ता है बाद में। और बाकी एक और जो कमेंट काफी आ रहा है वो ये कि भाई सैंड्रा
सारी फैमिली के साथ क्यों नहीं आई, आप अकेले क्यों जा रहे हो, तो उसका यही आंसर है जो पिछली बार था, वो अपने किसी काम पे फोकस करना चाहती है, शी इज वर्किंग ऑन समथिंग। जब वो हो जाएगा और जब वो कहेगी हाँ मैं इसके बारे में बताने में कंफर्टेबल हूँ, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, मगर उसके लिए उसको टाइम डेडिकेशन एक जगह पे बैठ के फुल कंसंट्रेशन से काम करना है। और जब हम साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक तो खर्चा डबल, ठीक है, वीडियो की आउटपुट भी आधी हो जाती है, और क्योंकि हम दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, बस उसको फोकस करने का पूरा टाइम चाहिए, वो उसको मिल जाएगा। तो जब तक अब वो अपने काम में बिजी है तब तक है, तब तक मैं उसको पुश नहीं करता, हाँ थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है, बट जैसे ही उसका वो हो जाएगा तो अल्टीमेट टारगेट तो हमारा यही है कि जितना हो सके हम साथ रहें। क्योंकि पर्सनली मुझे भी बहुत फील होता है कि जब मैं अकेले जा रहा होता तो वो नहीं चल पाती है, उसको नहीं ले जा पाता, क्योंकि जब हमारी शादी के टाइम पे भी जो वाउस पढ़ते हैं ना यहाँ पे, तो उन वाउस में से एक था कि मैंने बहुत टाइम जो है ना जिंदगी में तेरे को ये भी कहा है, इंतजार भी करवाया है, और उसके बाद फिर जाके शादी करी है, हर टाइम कैमरे के पीछे रही है, तो आगे से जब भी हम ट्रैवल करेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तेरे को हमेशा साथ रख सकूं। 1.5-2 साल तो हमने वो करने की कोशिश करी, बट इट केम एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ हर करियर टू एन एक्सटेंट, एंड नाउ आई डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, क्योंकि वो हम दोनों के लिए फैमिली वाइज, लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली, सोशली, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा था पर्सनली भी। तो इसलिए अभी हम ये वाला शॉर्ट फेज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। बट होगी सैंड्रा कहाँ पे क्या कर रही है और बीच में उससे क्या प्लान बनेगा, वो आपको जब टाइम आएगा तो बताऊंगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग। आ गया आ गया आ गया, मसाला कॉर्नर लगाओ जी लगाओ। नहीं वो कितनी लगे क्या करें, आई जस्ट होप रेडी हो। बन रहा है जब तक, रेट तो बढ़िया लगे हुए से, बटर चिकन राइस $10, नॉट बैड। ये मैंने एक पतली हुडी रख ली थी क्योंकि कई बार ना फ्लाइट में जो है एसी बहुत सॉलिड चलता है, ठंड हो जाती है, तबीयत ही खराब हो, बाइक जैकेट ये हेलमेट के खोल में जगह इसमें भरते। अब जी टोरंटो एयरपोर्ट तो ब्रैम्पटन से 20-25 मिनट के करीब ही होगा उनके घर से, मगर क्योंकि ये हैमिल्टन एयरपोर्ट है यहाँ से सस्ती एयरलाइन चलती है, तो इसलिए ये थोड़ा 1 घंटा और जो है ना फर्दर आप लगा लो दूर है वहाँ से। छोटा सा एयरपोर्ट आगे होगा, डिपार्चर आगे होगा। गेट का कुछ चक्कर छोटा सा भाई, सब चेक इन काउंटर है इतना ही, और ये सारी बजट एयरलाइन है, स्वूप भी, लिंक्स भी, और ये प्ले भी जिसपे पंजा रहे हैं, स्पेशल रखा हुआ है ना कि इसके अंदर फिट करो तो आपका बैग हम मानेंगे छोटा है, और आपको यहाँ पे लोग जो है ना सामान एडजस्ट करते हैं जगह जगह नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये बैग पड़ता है $100 का और ये पड़ता है 80 का इन एडिशन टू योर फ्लाइट टिकट, तो बजट उतनी रह जाती है। लेकिन मेरी थी कोई $400 की, बढ़िया सब मिला मलू के टैक्स बैग्स लटरम पटरम पड़ा है 700 की। यहाँ पे लिखा लिक्विड्स एंड नॉन सॉलिड फूड आइटम इन कंटेनर ग्रेटर देन हैमन है, ओ नॉट परमिटेड, खा लो भैया। टिम हॉर्टन्स है बस यहाँ पे, उसमें भी लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है, मगर अपन छोड़ा यहाँ बैठ के भी काम वाम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर चलेंगे आगे। सूट के अलावा कोई और एयरलाइन तो दिख ही नहीं रही, कहीं इन्हीं के साथ कोड शेयर तो नहीं। छोटा ही एयरपोर्ट है तो इसीलिए चल के ही जाना है, फ्लाइट सामने खड़ी है, और अगर आप छोटा कैरी ऑन खरीदते हो ना तो उसमें प्रायोरिटी बोर्डिंग साथ में मिल जाती है, तो शुरू शुरू में अपनी बोर्डिंग हो गई, खाली खाली जाएंगे आराम से। भाई जी ये रूल बड़ा सख्त है कि जो आपके पर्सनल आइटम है ना, जैसे मेरे केस में लैपटॉप बैग है, वो सीट के नीचे जाना चाहिए, खड़े होकर पूरे जो स्टाफ है उन निगरानी रख रहे हैं कि ऊपर कोई 2 बैग ना चढ़ा दे एक टाइम पे, एक ही बैग ना। पर ये कह रहे हैं अगर फ्लाइट फुल ना हुई और ऊपर जगह बची तो आप ओवरहेड कैबिन्स में रख सकते हैं, देखते हैं। पहुंच गया जी फाइनली आइसलैंड, और रोशनी देख के लगता नहीं है कि सुबह के 4:15 बजे। भाई जी खाना तो फ्लाइट में इतना महंगा था कि पूछो मत, एक सैंडविच और एक कोक और साथ में मेरे ख्याल से बिस्कुट 13 यूरो के थे। मेन्यू आप देख ही रहे हो, प्राइसेस में आपको साथ साथ दिखा देता हूं। सुना है कि ना यहाँ पे आइसलैंड में 2-3 दिन पहले ही ना एक छोटी वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, जिससे कोई चीज़ बाधित तो नहीं है, मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर तो वो यहीं रायकविक के पास है, तो हम जब उड़ रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी एक माउंटेन के ऊपर और लाल लाल सा भी उसमें से कुछ नज़र आ रहा था, धुआं उठ रहा था बहुत ज़्यादा, वो धुआं था या बहुत तेज़ी से चलते हुए बादल थे ये नहीं पता, बट
आई थिंक मुझे लगा ऐसा कि जिंदगी में पहली बार मैंने वॉल्केनिक इरप्शन देख लिया, चाहे बहुत दूर। और फ्लाइट में एंटरटेनमेंट का कोई सीन नहीं है भैया, अपना फोन है उसी को सेट करने के लिए मगर जगह बनी हुई है, जो है उसी में मूवी वगैरह देख के गुजारा चलाओ, तो ऑफलाइन डाउनलोड करके जाना होता है बजट एयरलाइंस पे। बाकी ज्यादा मेरा ख्याल है शायद ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स के ऊपर से भी निकले। भाई मैं यहाँ बैठ के खाना खा रहा था, लोग निकल के साले गेट ही बंद हो गए, मैं फंस गया यहाँ पे, होप यहाँ से खुल जाए। तो सायरन बज रहा है साला, इमरजेंसी खोलता हूँ, सायरन बजता है, ये बंद है, इनके लिए पासवर्ड है, फंस गया। खाना खाने के चक्कर में टिक्का लेके आया हुआ था, मैंने कहा टिक्का यहीं निपटा लूँ, आगे जगह मिले ना मिले फिर इमिग्रेशन कराऊंगा, अगर यहाँ करानी पड़े तो। यहाँ से जाके देखता हूँ ऊपर से, और सारे लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, नहीं मिला तो फिर ये इमरजेंसी से जाना पड़ेगा, फिर देखेंगे जो होगा। सायरन बजता बजे अब इनको बुलाऊंगा, ऐसे इधर देखेगी तो बुलाऊंगा ना। बीबी कह रही नीचे जो हूँ कूलर खोल दिया मैडम ने, रिमोट से बटन दबा के, चलो शुक्र है, चलिए। अरे सबसे ऊपर अपनी है 545, ए गेट और सी गेट, लो जी डिले हो गई 15 मिनट अभी तो, चलो एटलीस्ट इतनी ज्यादा बढ़िया। इन हेडफोन्स की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि इनको ना ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड, या तो गर्दन में फंसाओगे, नीचे की तरफ फ्लैट नहीं कर सकते, पुराने वाले कर सकते, फ्लैट करने हैं तो ऐसे उल्टा रखना पड़ेगा कटोरियों की तरह। डाउनलोड स्पीड तो अच्छी है, अपलोड देखा भाई, ओ मजा आ गया भाई, सब फटाफट डेटा अपलोड करके एडिटर को भेजता हूं। यहां से जर्मनी जाना है, वो आगे की वीडियो में शूट करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि आपको सारा प्रोसेस दिखाते हुए बड़े खास बंदे के पास जाना है, जिसके मैं घर जा रहा हूं, और आप लोग भी कहोगे भाई ये जर्मनी में क्या कर रहा है, मजा आने वाला है अगली वीडियो में।